मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना आप शुरू कर सकते हैं। उस वीडियो पे आपके कई सारे कमेंट्स आए थे, कई सारे सवाल आए थे। इस वीडियो को एक ब्लैंक कन्वर्सेशन की तरह रखूंगा आप सभी के साथ, इनफॉर्मली कुछ बातें करूंगा, आप सभी को एडवाइस करूंगा कि कैसे स्टॉक मार्केट की दुनिया में आप एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर बिना बहुत ही रिस्क का सामना किए पैसे कमा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 15 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तब तो आप अपना 5 मिनट मुझको दीजिए ही दीजिए और फिर वीडियो के बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की हुई या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण माहुलियार इस नए वीडियो में करता हूँ आप सभी का स्वागत। पहले तो ये जान लीजिए कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो मैं अपने मन से बना रहा हूँ। मन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी यंगस्टर्स अपना एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकें। आप अपने मेन गोल के लिए काम कर ही रहे होंगे, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, स्टूडेंट हैं, या फिर किसी जॉब में हों, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हों, वो आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनेगा कल को, या फिर हो सकता है आज है भी। लेकिन जो पैसे आप उससे कमाएं उसको कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, यही कुछ बातें आपको बताऊंगा। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि एक देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ती है। अगर हम अपने देश की तुलना यूएसए से करें तो यूएसए में शेयर मार्केट में 65% जनता इन्वेस्टमेंट करती है और इसी के बदौलत वहाँ की कंपनीज के पास ढेर सारा पैसा हो पाता है और उन पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी ढेर सारा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बिजनेस बढ़ाती हैं, पूरी दुनिया में अपना सामान सेल करती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाती हैं और अमेरिका के अंदर खूब पैसा बनता है क्योंकि वहाँ पर जनता ही इन्वेस्ट कर रही है, बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। पर हमारे देश में अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो बैंक से लोन मांगता है, घर से पैसों का प्रबंध करता है, जनता उसको पैसे देती नहीं। शेयर मार्केट में इतना यहाँ पर प्रश्न अभी आया नहीं है। तो अगर हमारे देश को अमेरिका जैसा बनना है या फिर उससे भी आगे निकलना है, जो कि मुझे उम्मीद है ज़रूर हम करेंगे, तो फिर हमें शेयर मार्केट को घर घर पहुँचाना पड़ेगा और ये काम आसान कर रहा है एंजल ब्रोकिंग जैसी कंपनीज। ये एक स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि आपकी मदद करती हैं शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए। अभी से 5 साल पहले क्या होता था, 10 साल पहले क्या होता था, आपको एजेंट खोजना पड़ता था, एजेंट आपको ढेर सारी फॉर्मेलिटीज करने कहता था, आपका डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता था, हजारों रुपए लगते थे, पैसे लेता था, फिर जाके शेयर खरीदता था, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देता था, आप चारों तरफ से टिप लेते थे। लेकिन अब सब उंगलियों पर है, आपके फोन में है, सिंपली एक वेबसाइट पर एनरोल करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कई बार तो फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और नहीं तो 200-300 रुपए लगते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल बात है। इसके बाद उस अकाउंट से आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको समझा सकूं, फाउंडेशन क्लियर कर सकूं कि शेयर मार्केट होता क्या है, उसमें कदम रखने से कितना नुकसान है, कितना फायदा है। कंपनीज अपने शेयर इशू करती हैं, अगर उनको पैसे की ज़रूरत हो तो वो अपने कंपनी का कुछ शेयर आपको बेचती हैं, उसके बदले आपसे पैसा लेती हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट में जाती है तो आपने जो 1,000 रुपये का मान लीजिए शेयर खरीदा था तो वो 1,200 का हो जाता है। कंपनी अगर घाटे में जाती हैं तो वो 800 का हो जाता है, जिस भी परसेंटेज में कंपनी ने रिटर्न दिया। तो अगर आप बुद्धिमानी से कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो ये बढ़ेगी क्योंकि उस कंपनी की न्यूज़ अच्छी अच्छी आ रही है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और सारी फैक्टर्स को मद्देनजर आपने इन्वेस्ट किया, तो फिर भविष्य में आपको गेन मिलना है। और मान लीजिए आपको घाटा हो जाता है तो आप केवल एक कंपनी में ना इन्वेस्ट करके 4 कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि इससे घाटा हुआ तो बाकी 3 के फायदा से वो कवर हो जाए। अच्छा, ये सारी थोड़ी एक्सपर्ट वाली बातें हो गई। अगर आप एक आम आदमी हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, 1-2 लाख रुपये, जो भी आपके पास रखा हो उसको डाल दीजिए किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और फिर एक साल बाद देखिए जितना बैंक आपको 3-4% देता है या FDRD 7-8% देता है, कम से कम आप 10-20% ले जाएंगे। 10 हज़ार रुपये का आप 12 हज़ार रुपये ले जाएंगे, 1 लाख रुपये का 1,20,000 ले जाएंगे। मैं आपको अपनी बात बताऊं, लॉकडाउन के टाइम पे 1 लाख का 1,65,000 बनाया था रिलायंस के शेयर से। ऐसे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा वीडियो की, उस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। और उसी वीडियो में मैंने बताया है आप सभी को कि कैसे आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुलवा कर
वहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, 10-20 मिनट की वो भी वीडियो है, लेकिन ये कुछ 10-20 मिनट आपके पूरे जीवन भर के लिए एक पैसिव इनकम बनाने के लिए कारीगर रहेंगे। मेरी उम्र 19 ईयर्स है और एक साल पहले मैंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया था और अच्छे खासे पैसे बनाने लगा हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज से 2 साल बाद जितने पैसे मैं यूट्यूब से बनाता हूँ उतने ही पैसे स्टॉक मार्केट से बनाने लगूंगा। और आप सभी को भी आमंत्रित करता हूं इस दुनिया में ताकि आप सभी भी पैसे कमा सकें। अब मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि प्रवीण तुम्हारे पास तो पैसे हैं लगाने के लिए, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। यार आप 10 रुपये लगाइए, 20 रुपये लगाइए, 50-100 रुपये लगाइए, जितने कि आप समोसे खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, ताकि आप ट्राई कर सकें, सीख सकें, ट्रायल ले सकें। एंजल ब्रोकिंग पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए और दोस्तों इसके बाद 10-20 रुपए के शेयर परचेज कीजिए। वोडाफोन आइडिया के शेयर इस समय 10-12 रुपए के हैं, उसको 2-3 शेयर परचेज करके देखिए कैसे परचेज किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। जब आपका 10 रुपए का शेयर 11 का होगा, 12 का होगा, तो आपका हौसला बढ़ेगा। और रिस्क तो दुनिया के हर चीज़ में है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। और कैसे मिनिमाइज करना है रिस्क, उस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, सब समझ जाएंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए शुक्रिया है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंजल ब्रोकिंग की, वहाँ पर आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप शेयर करना शुरू कर सकते हैं, कोई आपको बहुत पैसे देने की ज़रूरत नहीं, ऑफलाइन वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा सिंपली आपके आधार कार्ड से, और बहुत ही सेफ है। एंजल ब्रोकिंग पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, काफ़ी समय से मार्केट में है, इनफैक्ट इनकी कंपनी तो खुद स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन थी आप सभी से, आपके दोस्त की तरह, भाई की तरह आपको एडवाइस दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। हमेशा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को भरोसेमंद चीज़ें मैंने बताई है, और आप सभी के निरंतर प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बिल्कुल ना भूलिएगा। चलता हूँ, बाय बाय।